सच साहस सरोकार। दासना जिला जेल कैदी बनाएंगे बिस्किट, प्रदेश सरकार के आदेश पर लिया फैसला। कानपुर के जरौली गांव केडीएनए की कार्रवाई, अवैध कब्जे किए दिए गए जमींदोज। लखीमपुर खीरी में डॉक्टर ने की अपनी पत्नी की हत्या, थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। दिल्ली के द्वारका में 12वीं की छात्रा पर फेंका तेजाब, डीसीडब्ल्यूओ अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोपी को गिरफ्तार की उठाई मांग। सेवानिवृत्त महिला शिक्षिका का शव पुलिस ने किया बरामद, 5 दिन से घर में पड़ा रहा शव। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशों से निवेश जुटाने की योगी सरकार के मंत्रियों और अफसरों की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। मंत्रियों और अफसरों के समूह जहां जहां दौरे पर जा रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम हासिल हो रहे हैं। पहले चरण के रोड शो और बिजनेस मीटिंग के बाद 52 औद्योगिक समूहों ने यूपी में निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। इन समूहों के प्रतिनिधि इन्वेस्टर समिट में भी हिस्सा लेंगे, इसे सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। यूपी निकाय चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने मंडल समितियों को सशक्त करने के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ तक पहुंचने की रणनीति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम सक्रिय रखने की योजना बनाई है। भाजपा के सभी 1918 मंडल में 16 पदाधिकारियों सहित 61 सदस्यीय कार्य समिति सशक्त की जाएंगी। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से समिति में क्षेत्र की सभी प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। कार्य समिति के सदस्यों के बूथ और सेक्टर स्तर पर प्रवास कराए जाएंगे। प्रमुख जातियों, लाभार्थियों, युवा, महिला, अनुसूचित जाति और किसान अल्पसंख्यक सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। पार्टी की गतिविधियों और मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ के प्रत्येक मतदाता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। बता दें कि एक बूथ पर 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया है। उन्होंने लोकसभा के महासचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है। बता दें कि डॉक्टर एसटी हसन मुरादाबाद से लोकसभा सांसद हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में 12वीं की स्कूली छात्रा पर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया। गंभीर रूप से झुलसी लड़की को इलाज के लिए सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि लड़का और लड़की की पहचान थी। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करेंगे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पूरी घटना की निंदा की और एसिड पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और एसिड के रिटेल सेल पर बैन करने की मांग की है। जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया, जब ये लड़की अपनी बहन के साथ जा रही थी। वो लड़की अभी अंडर ट्रीटमेंट है और 8% बर्न्स है, हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कंडीशन स्टेटेड टू बी स्टेबल। एक लड़के को डिटेन किया गया है और फर्दर पूछताछ अभी किया। गाजियाबाद से जहां प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद दासना जिला जेल में कैदियों के मैनुअल में बदलाव किया गया है। जेल के कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिस्कुट बनाने का काम शुरू किया गया। रिहाई के समय कैदियों को परिवार के पालन पोषण में सहायता मिलेगी। जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर
जेल मैनुअल में बदलाव किया, बंदियों को सायकालीन चाय के साथ बिस्किट भी उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें एक संशोधन ये भी है कि सायकालीन जो चाय बंदियों को दी जाती है उसके साथ बिस्किट दिया जाए। तो हमने पता किया तो अन्य कारागारों से पता चला कि वो लोग बाज़ार से खरीद रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना इसको हम लोग कारागार में ही अपनी बेकरी में तैयार करवाएं, और जिससे कि खबर गोरखपुर से है, जहां सेवानिवृत्त महिला का शिक्षिका का 5 दिन पुराना शव स्थानीय निवासियों की सूचना पर पुलिस ने घर से बरामद किया। एसएसपी उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मृतिका का बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिसके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। एसएसपी ने शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने की जानकारी दी है। रिटायर्ड थी और इनके हस्बैंड भी इंटर कॉलेज के प्रोफेसर थे, आरडी मिश्रा, राम दुलारी मिश्रा, ये शांति मिश्रा इनका नाम है। ये शराब वराब पीते थे? अरे दिन भर भैया, दिन भर। अच्छा, क्या लगता है स्वाभाविक मौत है या? ये स्वाभाविक ही लग रहा भैया, क्योंकि ये अपने पे ही ध्यान देता, उन पे ध्यान नहीं देता। बताया जाता कि खाने को नहीं पाती थी 8-8 दिन का। ये माता जी हमारी पिछले शनिवार को ले गई रोटी, किसी तरह से रोटी या सब्जी खिलाई, तो कहीं बहन जी हम बहुत दिन बाद तो खाना खाने पाए हैं। अब वो आता है तो अंडा उंडा लेके आएगा, अपना अपना बना लेता था, अपने खा के फिट हो जाता था, माँ को पूछता ही नहीं था। महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ है और वो लगभग 5 दिन पुराना है। वहीं उसका पुत्र भी रह रहा था और वो नशे का आदि है। उससे पूछा गया तो वो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। उसने ये बताया कि इनकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी और मेरे पास इसके दाह संस्कार के पैसे नहीं थे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक डॉक्टर दंपत्ति ने आपसी विवाद के बाद पति ने महिला की निर्मम हत्या कर दी। शव 371 किलोमीटर दूर गुड़मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार कर दिया गया और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधिकारियों ने घटना का खुलासा करते हुए महिला की हत्या में शामिल उसके पति और पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला की उसके पति एवं उसके ही ससुर ने घर में मारपीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्पश्चात हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़ मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। खबर कानपुर से है, जहां जरोली गांव का ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रहे भूमाफियाओं पर कानपुर विकास प्राधिकरण के नोटिस पर नायब तहसीलदार कानून गो लेखपाल की उपस्थिति में 50 से अधिक अवैध मकानों को चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया गया। आला अधिकारियों ने कब्जा धारकों को नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। योगी सरकार 2.0 बनने के बाद देखा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो जिला प्रशासन का जो निर्देश था कि जो अवैध दस्तीकरणों को दस्तीकरण किया जाएगा और जितनी भी सरकारी जमीन जी जीएस पे जो कब्जा है वो पूरी तरीके से खाली किया जाएगा, इसको लेकर के जो है देखा है तो कानपुर का जो बिहारी पुरवा पड़ता है जरौली गाँव के पास, उसमें जो 22 बीघा जो जीएस की जमीन जो है जो सरकार के जो कानपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकृत की थी, इससे पहले यहाँ पर जो लगभग देखा है तो 100 से ज़्यादा अधिक लेटरिन प्लांट बने थे। उसके बावजूद देखा जाए जो भूमाफिया थे, 1 दर्जन भूमाफियाओं से ज़्यादा अधिक जो भूमाफिया थे, उन्होंने रजिस्ट्री की, और रजिस्ट्री करने के बाद देखा जाए तो किस तरीके से जो आज जो दस्तीकरण चल रहा है ये पूरी तरीके से जेन्युइन चल रहा है, पर देखा जाए तो जो लोग रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि कार्रवाई कैसे होगी, उनका जो पैसा लगा था वो पैसा किस तरीके से मिलेगा। आप बता चले वैभव जो मेरे कैमरा पर्सन है वो दिखाएं किस तरीके से जो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, पूरी तरीके से दस्तीकरण किया जा रहा है। और उसके बाद देखा जाए
कहीं जो जिला प्रशासन की पूरी टीम और प्रशासन की पूरी टीम जो है पूरी तरीके से सक्रिय है। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो कब्जे हैं, जो डीपीसी भरी हुई है और डीपीसी के बाद जो निर्माण कार्य बने हुए देखना है कि वो गिरते हैं कि ये जो जिला प्रशासन का अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो देखा जाए तो क्या भूमाफियाओं से साठगांठ होती है या जिला प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है कि नहीं करता है। क्योंकि देखा जाए तो जो यहाँ पे 50 से लगभग अधिक मकान भरे हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ हैं, बैनामा है, उनका साफ कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे मतलब देखा जाए तो 420 के माध्यम से मुझे जो ज़मीन दिखाई गई है और यहाँ लोग रह रहे हैं। इस जब ये लेखपाल की एक बड़ी मिली भगत इसमें अहम भूमिका नजर आ रही है कि जब कब्जा हो रहा था तब इन्होंने जिला प्रशासन को नोटिस क्यों नहीं दी। आज जब कब्जा हो चुका है, जो बन चुका है पूरा और लोगों को जो पैसा जा चुका है फोर्जरी तरीके से, भूमाफियाओं सारी साठगांठ लेखपाल से और जिला प्रशासन है, पर देखना अब ये है कि किस तरीके से 22 बीघा जो जमीन है किस तरीके से खाली करेंगे। कैमरा पर्सन व्यापक साथ उपेंद्र साना कानपुर। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।